इश्क़ की मासी 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 अब यहाँ क्यों आया? कोई यहाँ नहीं आना चाहिए था, पर तुझे आना चाहिए था। मेरा दीदी से क्यों हुआ वादा, तेरे सपने, तेरा रिश्ता, तूने सब तोड़ दिया इश्क की। पर कम से कम इतना तो बता दे, तूने ये सब क्यों तोड़ा इश्क की? मयंक क्या हुआ तुझे, तू ठीक है? मैंने बहुत कोशिश की यार, ये रुक जाए, मान जाए। दिल से प्यार किया था मैंने इश्की को, दिल से। उसने तेरे भाई का दिल तोड़ दिया यार, सब बर्बाद हो गया। और मम्मी को कुछ हो गया तो मैं भी जी नहीं पाऊंगा यार। अंकल को कुछ नहीं होगा, आई प्रॉमिस। तू बस अपना ख्याल रख, ओके? और इश्की ने ये सब इसलिए किया क्योंकि उसके दिल में मेरे लिए फीलिंग्स थी। आई हेट माई सेल्फ एंड आई हेट इश्की। असी मैं सिर्फ इतना बता सकती हूँ कि हमने जैसा मयंक को सोचा था वो वैसा बिल्कुल भी नहीं है। तो कैसा है बता इश्की, कैसा है वो? क्या बुराई है मयंक में? मुझे कोई नहीं दिखी, कितने प्यार से बात करता है, कितनी इज्जत देता है, और आज तक कभी हाथ तक नहीं उठा। प्लीज, ये कैसी सोसाइटी है हमारी? किसी बीवी पे हाथ उठाने की बात को कितना नॉर्मल समझा जाता है? जब तक किसी आदमी ने एक औरत पे हाथ नहीं उठाया, उसे मारा नहीं, तो मासी इस बात पे उस आदमी को अच्छा समझ ले। नहीं मासी। और रही बात मयंक की, तो ना उसने मारा ना हाथ उठाया, लेकिन चोट बहुत गहरी थी। और मासी आपकी जिंदगी को देख के ना मैंने एक बात तो सीखी, लड़की घर में कुमारी बैठी रहे लेकिन किसी गलत आदमी से शादी ना करे। मैं घर में अकेली कुमारी बैठी रहूंगी लेकिन मयंक जैसे टुच्च आदमी से शादी नहीं करूंगी। तो अकेली किस किस से लड़ेगी इश्की? सबसे, जो जो मेरे सामने आएगा सबसे। और मैं अकेली नहीं हूं, आप हो मेरे साथ। मासी हम यहाँ से निकल कर ना एक नए घर में जाएंगे और वहां नई लाइफ शुरू करेंगे। हेलो, ऐसे कैसे आप हमें निकाल सकते हैं? आपने हमसे डिपॉजिट ले रखा है। हेलो, बस क्या हुआ? क्या नए मकान मालिक ने तेरी न्यूज़ देख ली इश्की और हमें घर से निकाल दिया। मैडम मिलने का टाइम खत्म हो गया। मासी हमसे मकान छीना जा सकता है, घर नहीं। और मेरा घर आप हो, मैं आपसे वादा करती हूँ बाहर निकल के ना मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी। प्लीज रोना नहीं, रोना नहीं। आप एक ऐसी लड़की को जॉब में कैसे रख सकते हैं जो किसी की सुसाइड प्रोवोक करने के चार्ज पर जेल में? जस्ट इमेजिन, अगर ये बात प्रेस में रिलीज हो गई तो आपकी कंपनी कहीं की नहीं रहेगी। वो लड़की अभी इस कंपनी में काम नहीं करेगी। उसे जेल भेजकर आपका मन नहीं भरा जो आप ये सब भी कर रहे हो? I'm gonna finish her off. मैं उस लड़की को कहीं का नहीं छोड़ूंगा। भाई आपको ये नहीं पता कि इश्की ने जो भी किया वो क्यों किया? नहीं नहीं, मुझे पता है उसने ये सब क्यों किया, मेरी वजह से। उसने मुझसे कहा था दर्जी लाइक्स में वो चाहती थी कि उसकी शादी मुझसे हो, लेकिन नहीं, उसकी शादी मुझसे नहीं मयंक से हो रही थी, इसलिए उसने ये सब तमाशा किया जिसकी कीमत मयंक और उसके पापा ने चुकाई है। लेकिन अब इसकी कीमत इसकी चुकाएगी। भाई प्लीज डोंट डू दिस। भाई इसकी कैसे दुनिया में कोई भी नहीं है भाई, प्लीज। जो उसका होने वाला था ना, उसे तो उससे सुसाइड करने पर मजबूर कर दिया। इस सब तमाशे के बावजूद मयंक उसके पास गया उससे माफी मांगने के लिए, उसे फिर भी शादी करना चाहता था। मुझे भी कोई खुशी नहीं हो रही भाई कि वो हॉस्पिटल में है, उनके साथ जो भी हुआ गलत हुआ। बट भाई आप जो इसके साथ कर रहे हो ना वो गलत है भाई। उस लड़की की ना सिर्फ एक ही गलती है कि उसने आपसे प्यार किया। नहीं, उसकी सबसे बड़ी गलती ये है कि उसने अपनी फीलिंग्स को अपनी फैमिली से ज्यादा इंपॉर्टेंस दी। उस प्यार का क्या फायदा जो फैमिली को बर्बाद कर दे, फैमिली को तोड़ के रख दे? उस प्यार से अच्छी तो नफरत होती है कार्तिक। भाई मैं आपसे आर्ग्यू नहीं करना चाहता हूँ, बस मैं इतना कह रहा हूँ कि इश्क की शादी टूट चुकी है, जेल में है वो, उसको सजा मिल चुकी है। भाई जो उसने किया है ना कोई छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है, इसलिए उसकी सजा भी बहुत बड़ी होनी चाहिए ताकि अगली बार किसी की फैमिली को बर्बाद करने से पहले ना वो हजार बार सोचे। भाई बस एक सवाल का जवाब देते जाओ, इश्की के साथ ये सब करने के बाद क्या आप चैन से सो पाओगे?
I'm so sorry, भाई। मैं तो भूल ही गया था। मैं किससे बात कर रहा हूँ? आप तो अपनी feelings को share ही नहीं करते। लोग तो शहरों में रहते हैं, but आप अपने denial में रहते हो। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.